कभी कभी पाताल लोक के जो कीड़े हैं ना, वो धरती लोक के आदमियों को काट लेते हैं, और उनके काटने से होता है काट। मिर्जापुर और सीक्रेट गेम्स जैसी वेब सीरीज देखने के बाद में अगर आप एक ऐसी क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज देखना चाहते हैं जिसमें आपको और भी ज्यादा रियलिस्टिक और नेचुरल एक्टिंग देखने को मिले, तो अब आपकी ये इच्छा पाताल लोक देखकर पूरी हो जाएगी। सीरीज में टोटल 9 एपिसोड्स हैं, अराउंड 40-45 मिनट्स ईच, और इसको आप अमेजोन प्राइम पर देख सकते हैं। सबसे पहले अगर स्पॉइलर फ्री स्टोरी की बात करी जाए तो इस सीरीज की स्टोरी एक फेमस जर्नलिस्ट संजीव मेहरा के अराउंड घूमती है, जिनके मर्डर की प्लानिंग के लिए इंटेलिजेंस एजेंसीज 4 लोगों को एक दिन अरेस्ट कर लेती है। अब ये केस एक डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन के लिए इंस्पेक्टर हाथीराम को हैंडओवर करा जाता है। इंस्पेक्टर हाथीराम की घर में और पुलिस डिपार्टमेंट में कोई खास इमेज नहीं होती है, इसलिए वो इस केस को सॉल्व करने के लिए अपना पूरा जोर लगा देते हैं। ये मर्डर केस स्टार्टिंग में तो एक ओपन एंड शट केस लगता है, पर एक्चुअल में ये 4 लोग कौन हैं और इस जर्नलिस्ट का मर्डर क्यों करना चाहते हैं, ये इस शो का सबसे बड़ा सस्पेंस है, जो कि आपको एंटायर सीजन के लिए हुक करके रखेगा। और जैसे जैसे पुलिस की इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी, स्टोरी में इतने ट्विस्ट और टर्न्स आएंगे कि ये सिंपल सा केस एक बहुत भयानक रूप ले लेगा। देखो गाइस, पाताल लोक की स्टोरी बहुत रियलिस्टिक वे में लिखी गई है। आप न्यूज़पेपर, टीवी और अपने आसपास जितने भी तरीके के क्राइम्स के बारे में पढ़ते या सुनते हो, जैसे कि चाइल्ड अब्यूज, मॉब लिंचिंग, डर्टी पॉलिटिक्स, उन सब का इस्तेमाल इस सीरीज की स्टोरी में बहुत अच्छी तरह से करा है। और हमारी सोसाइटी की कुछ एट्रोसिटीज को पाताल से कंपेयर करके हमें इनडायरेक्टली बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेजेस देने की कोशिश करी है। सीरीज में जो 4 क्रिमिनल्स हैं, उनके पास्ट को कम्प्लीटली हमारे सामने खोल के रखा है, और ये दिखाने की कोशिश करी गई है कि आखिर वो इस क्राइम की दुनिया में कैसे फंस गए। अब अगर एक्टिंग की बात करी जाए तो सबसे पहले बात करते हैं जयदीप अलावत की, जिन्होंने इंस्पेक्टर हाथीराम का रोल करा है। इनकी एक्टिंग और डायलॉग्स इतने सुपर और नेचुरल है कि लिटरली जब जब ये स्क्रीन पर आएंगे, आपको एक बार भी ये नहीं लगेगा कि ये ओवर एक्टिंग कर रहे हैं। सेकंड कैरेक्टर है अभिषेक बैनर्जी का, जिनके तो फेशियल एक्सप्रेशन ही एंटायर सीजन में इतने खतरनाक है कि इनको ज्यादा डायलॉग्स बोलने की जरूरत तक नहीं पड़ी। सीरीज में नीरज का भी और गुल पनाग का भी रोल है, जो काफी इंप्रेसिव है। मैं स्पेशल मेंशन करना चाहूंगा इश्वाक सिंह का, जिन्होंने इंस्पेक्टर अंसारी का रोल करा है। ये जब जब स्क्रीन पर आते हैं, आपको इस क्राइम थ्रिलर सीरीज में एक रिलैक्सेशन वाली फीलिंग आएगी। इनको एंटायर प्लॉट में काफी काम एंड कूल दिखाया है, और ये अपना काम बिना वॉयलेंस के करना जानते हैं। अब अगर शो में नेगेटिव्स की बात करी जाए तो इसकी स्टोरी का पेस थोड़ा सा स्लो है। सिर्फ 6 एपिसोड के बाद में स्टोरी स्पीड पकड़नी शुरू कर दी है। सेकेंडली, सीरीज में कुछ ऐसे डायलॉग्स और वर्ड्स बोले गए हैं जो लोगों के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट कर सकते हैं। सो गाइस, लास्ट में मैं आपसे यही कहूंगा कि पाताल लोक सीरीज एक नेचुरल क्राइम थ्रिलर सीरीज है, जो कि मेरे हिसाब से इस जॉनरे में अब तक की सबसे रियलिस्टिक और नेचुरल वेब सीरीज है, और जो आपको डेफिनेटली देखनी चाहिए। बाकी आप अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी। अब मैं आपसे मिलूंगा बहुत जल्द नेक्स्ट रिव्यू में। तब तक के लिए प्लीज टेक केयर एंड स्टे सेफ।